के निम्बाहेड़ा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। तंबाकू, गुटखा और पान मसाला बनाने की नकली फैक्ट्री पर पुलिस का छापा। डीएसटी और निम्बाहेड़ा सदर थाना पुलिस ने मांगरौल में दिया कार्रवाई को अंजाम। मौके से करोड़ों रुपए का नकली तंबाकू, गुटखा और पान मसाला बरामद कर लिया है। 5HK, 4K स्टार और हम सफर पान मसाला और तंबाकू गुटखा किया है बरामद। पुलिस ने कच्चा माल और तैयार पान मसाले और तंबाकू गुटखा पाउच भी जब्त कर लिए हैं। 300 बोरे कच्चे माल के साथ साथ 240 बोरे और 88 बोरियों से भरे हुए थे ये पाउच। मांगरौल के अलावा रिको इंडस्ट्रीज एरिया में स्थित गोदाम से भी बरामद किया गया है माल। मौके से पुलिस ने पान मसाला और गुटखा बनाने की मशीन, दूसरे उपकरण भी जब्त कर लिए हैं। पुलिस ने उत्तर प्रदेश के निवासी मोहित यादव और दिल्ली निवासी मोहम्मद शाबिर को डिटेन किया, जबकि फैक्ट्री का मालिक बताया जा रहा है निम्बाहेड़ा निवासी चेतन कुमार जैन। रिको इंडस्ट्रीज एरिया का गोदाम चेतन ने मुकेश बराडिया से किराए पर लिया था। और ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ सहयोगी पीके जुड़ गए हैं। पीके, जानकारी दीजिएगा, आज बड़ी कार्रवाई की गई है, तंबाकू, गुटखा और पान मसाला बनाने की नकली फैक्ट्री पर छापा मारा, कितना माल बरामद हुआ है यहाँ से? निश्चित तौर पर शिखा, जिस तरह से सीआईडी सीबी की सूचना पर चित्तौड़गढ़ सीआईडी सीबी डीएसटी और निम्बाहेड़ा सदर थाना पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है, तो निम्बाहेड़ा के मांगरौल में ये फैक्ट्री संचालित थी और यहाँ जिस तरह से पुलिस की टीमों ने कार्रवाई करते हुए 5 मशीनें जब्त कर करीबन 25 करोड़ रुपए का गुटखा मौके से बरामद किया है, जो कच्चा माल भी है और तैयार भी है। भारी मात्रा में बोरों में भरा हुआ माल बरामद किया है और मौके से पुलिस ने यहाँ फैक्ट्री का जो सुपरवाइजर है और मैनेजर है उसको भी गिरफ्तार किया है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन फिलहाल पुलिस ने जिस तरह से एफएसएल की टीम को मौके पर बुलाया है, जीएसटी की टीम को भी सूचना दी गई है कि आखिर ये पूरा घटनाक्रम किस प्रकार से चलता था, कहाँ ये माल सप्लाई होता था। प्रथम दृष्टा सामने आया है कि जो गुटखा, तंबाकू और पान मसाला जो बनता था, इसकी सप्लाई जो उत्तर प्रदेश में होती थी, लेकिन जो आरोपी है, जो चेतन कुमार जैन, जो मालिक बताया जा रहा है फैक्ट्री का, वो निश्चित तौर पर फरार है और रिको इंडस्ट्री एरिया में भी एक बड़ा गोदाम था, उससे भी भारी मात्रा में कच्चा माल और तैयार गुटखा पान मसाला भी पुलिस ने बरामद किया है। तो पूरे मामले में फिलहाल डिप्टी एसपी हैं बेनी प्रसाद मीणा जांच कर रहे हैं कि आखिर ये कहाँ सप्लाई होता था और कितना घातक और किस प्रकार से किन किन ब्रांडों का माल यहाँ बनता है। फिलहाल 3 ब्रांडों का माल पुलिस ने बरामद किया है, रैपर भी बरामद किए हैं और जो मशीनें हैं, अन्य उपकरण है, वो भी जब्त कर लिए हैं। पुलिस की बड़ी कार्रवाई है, सीआईडी सीबी ने जिस तरह से सूचना दी थी और पूरे तथ्य जुटाए थे, निश्चित तौर पर पिछले 1 महीने से सीआईडी सीबी पूरे मामले के पीछे लगी हुई थी और जो सीआईडी सीबी के अफसर हैं एमएनसी में, उनके नेतृत्व में पूरी निर्देशन में पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। एक हेड कांस्टेबल है सीआईडी सीबी के जो पुलिस चित्तौड़ के अटैच हैं महावीर प्रसाद, उनकी ये पूरी सूचना थी और निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि बड़ी कार्रवाई है और 25 करोड़ रुपए के मूल्य का बिल्कुल ये बड़ी कार्रवाई आज के दिन की। शुक्रिया आप पीके अग्रवाल जी, आपका मैसेज जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ सहयोगी शिवेंद्र सिंह परवार जुड़ गए हैं। शिवेंद्र, बताइएगा, तंबाकू, गुटखा और पान मसाला बनाने की नकली फैक्ट्री पर छापा मारा है और कौन कौन सी जगह ये फैक्ट्री संचालित हो रही थी, किस तरह से पूरी कार्रवाई हुई? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बहुत बड़ी कार्रवाई है सीआईडी सीबी की, क्योंकि सिर्फ नकली फैक्ट्री नहीं, 25 करोड़ का माल पड़ता है। 25 करोड़ का माल किसको कहते हैं, कितना बड़ा जखीरा था नकली गुटखों का जो बाजार में सप्लाई हो रहा था। वैसे तो असली गुटखा भी नुकसान ही करता है लोगों को, लेकिन अगर नकली गुटखा लोग खाते हैं तो कितना प्रभाव उनके स्वास्थ्य पर पड़ता है, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। इसलिए आपसे बड़ी कार्रवाई है, महत्वपूर्ण खबर ये आ चुका है कि सीआईडी सीबी अब और आगे बढ़ना चाह रही है। ऐसा नहीं है कि हमने फैक्ट्री पकड़ के माल पकड़ लिया, अब कोशिश सीआईडी सीबी की है कि बिल्कुल। शिवेंद्र, शुक्रिया आपका साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए। और ये तस्वीरें भी, मांगरौल के पास एक फैक्ट्री में कार्रवाई करी जिसमें अवैध नकली पान मसाला के रैपर्स, पैकेजिंग मटेरियल और कच्चा माल मिला
और बहुत सारी मात्रा में एक पैकेज्ड फॉर्म में भी माल मिला जो लगभग 250 बोरे के आसपास तो मांगरोड़ में मिला, और इसके गोदाम में जहाँ पर 300 बोरे में कच्चा माल मिला है। इसमें यहाँ पर हमने अभी तक 2 लोगों को डिटेन किया है जो वहाँ पर मैनेजर के पद पर और ऑपरेटर के पद पर कार्य कर रहे थे। उन्होंने सूचना दी कि इसमें जो इनका ओनर है वो चेतन जैन है कोई, जो इसको ओनरशिप रखता है। इसमें हमने 3 टाइप के जो पैकेजिंग मटेरियल वो पकड़ी, एक हमसफ़र नाम का है, एक 5HK और एक 4K स्टार गुटखा और पान मसाला की ये फैक्ट्री थी। इसमें रॉ मटेरियल के साथ साथ हमने 5 मशीनें भी जब्त करी है जो कि पैकिंग के करने में काम आती थी।